चौधरी चरण सिंह एक बात कह रहे थे लोगों, ये नागपुर के नाग हैं और जो अफ्रीका के नाग है ना कोबरा, उनते सोगुनी खतरनाक है, सावधान रहियो। या चौधरी भी दिखा देंगे, चौधरी क्यों करो जैन चौधरी गल पूरी चौधर अड़ गया गड़ी और चौधर वही यार वही खून है चौधर का, वो चौधर ना थे जो उनसे चुप होकर बैठ गए थे, ये वे तक बड़े भी दागे लखनऊ में सबसे पिछड़ी में बैठे हैं, वहाँ उनके बात करनी गणी सोनी है, वे कह कल राम को ले, राम को ले पहले, राम कहा था राम उन्हें लिया, राम सब ले हमारे दौरे है, चलेंगे ले राम का ना, जो टांगे ले राम का ना, इन्होंने तो नौकरी दे दी हर घर में, सांझ को एक लाठी एक बैटरी सिर पर मुंडा सर डंगर हेरो, हर घर में नौकरी दे दी उन्होंने तो, और ऐसी दे दी भूल देंगे नहीं जीवन में। प्रोपेगेंडा बना के इन्होंने झगड़ा करवाया था और उसका फायदा उठाना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाना चाह रहे, ये यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ सब सर्व समाज एकता जिंदाबाद रहेगी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दानव जीवन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला बागपत में, और यूपी चुनाव की बात करें तो सबसे पहले जो पहले चरण के चुनाव होने हैं तो इसी क्षेत्र में होने, पश्चिम बड़ौत सीट, विधानसभा की बात करें तो बड़ौत आती है और पहले चरण के चुनाव यहीं से होने हैं। लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले जो हमने चुनावों से भी पहले देखा था, कई जगह भाजपा के नेताओं का विरोध किया जा रहा था लगातार, कई जगह हमने देखा उनकी गाड़ियों पे किसानों ने या लोगों ने जो गुस्साए नाराज लोग थे उनका विरोध किया, काफिले को रोका गया। अभी मेरठ में उससे दो दिन पहले हमने बागपत में भी देखे, बागपत के एक गांव में देखने को मिला जहां भाजपा के विधायकों का विरोध किया है। आज सुबह की खबर है मेरठ में जबरदस्त विरोध हुआ है भाजपा के नेताओं का, तो क्या इससे लग रहा है कि भाजपा के खिलाफ नाराजगी है लोगों में, इस चुनाव में नाराजगी देखने को मिल रही है या कुछ मूड बदला है? तो मेरे साथ मौजूद है जनता है, बुजुर्ग है, जवान है, सब है, यूथ भी है, तो सभी की राय और कैसा रहा मोल, क्या करने जा रहा है इस बार के चुनाव में? बाबा जी शुरुआत करेंगे, क्या नाम है आपका? मूलचंद। मूलचंद जी, कैसा है लगातार विरोध कर रहे हैं लोग भाजपा का, तो इस गांव की भी हालत ऐसी है या करते रहेंगे सारे? क्या वजह है? एक तरफा इन्होंने बहुत जुल्म कर दिया किसानों के लिए। अच्छा, जुल्म क्या किया है? जुल्म, अरे 12 महीने तो वहां गिर रखा था, पड़े में मार दिया वहां गिर गए, और पेमेंट दुआया नहीं, कुछ नहीं कर, कुछ भी। अच्छा हाँ, तो लेकिन सरकार कह रही है राम मंदिर बन गया, काशी मथुरा बाकी है, वो भी हम बनवाएंगे। यही खाली पड़े मंदिर, तो यही खाली पड़े, और जमे के लेने जाएंगे हम। अच्छा, इनकी पूर्ति ना हो रही, बिजली के बिल दूने हो गए, गन्ने का पेमिट नहीं हुआ, उन्होंने 14 दिन में वादा कराया था, 14 महीने में भी पूरा नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट योगी जी, हिंदू अगर योगी जी नहीं आएंगे तो हिंदुस्तान से हिंदू ही खत्म हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम ही तो चुनाव करवा रहे हैं, और किएगा और कोई विकास का मुद्दा इनके दौरे कुछ नहीं है, बस केवल हिंदू और मुसलमान है और कुछ नहीं। इसी मुजफ्फरनगर दंगों की बात हो रही है, किराना से पलायन की बात हो रही है कि किराना याद करो पलायन हुआ था, मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, नहीं आया तो फिर वही हाल होगा? नहीं, कुछ नहीं हो सकता, हिंदू मुसलमान तो सब एक हैं। अच्छा। सब एक है, इलेक्शन में एक दंगा वोट देंगे सब। प्रोपेगेंडा बना के इन्होंने झगड़ा करवाया था और उसका फायदा उठाना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम चुनाव बनाना चाह रहे, ये यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ तो मतलब क्या बनेगा फिर? यहाँ सब सर्व समाज एकता जिंदाबाद रहेगी। अच्छा, यहाँ RLD रहेगी, RLD हंगामारी जीतेगी, यहाँ इतनी वोट है, यहाँ यहाँ मतलब है बदलाव वाले आने वाला नहीं है। युवा भी है, कैसा चल रहा है? जाटों पे नजर है कि इस बार, पिछली बार तो भाजपा का साथ दिया था, इस बार क्या करने जा रहे हैं? नजर यहाँ यह है, इस तरह वोट बाबा चरण सिंह को भी नहीं मिली थी जैसे जयंत भाई को मिलेगी। अच्छा। पब्लिक टूट पड़ेगी, तख्ता पलट हो जाएगा, वो काम इस बार यहाँ होगा, लोग बाग देखते रह जाएंगे। बीजेपी वाले को तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, वोट मांगने की जावता है, जो उनसे 13 महीने वहां बैठे रहे उन्हें भी नहीं बताना पड़ेगा वोट किसकी देनी, उन्हें तो खुद ही पता क्या करना। अच्छा। अब वे गांव मुंह पड़े हैं, फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे बीजेपी के कैंडिडेट जो भी जाते हैं उम्मीदवार उठ रहे, कल पलाने गांव में गए थे, फूलमाला होते स्वागत हुए, फूलमाला भी अपनी खरीद के चले थे डगी को। अच्छा। अपने गले में गाजी मतदार के गेर ले गांव में, तो कला बैठ जाओ उल्टा जाते रहो, हर गांव में खदेड़ा हो रहा है उनका, हर गांव में तो उल्टे भेजे थे जाओ। मेरठ में भी हुआ है, सारे को हो रहा, कहीं कोई जगह नहीं, हम तो फेसबुक खोल कर देखा, उनका था कला पलाना भगा दिया भाई, डिमका भगा दिया भाई, भागेंगे वे उनके तरह के, राम मंदिर गंगा मैया पलाना मैया इस तलाक उन्ना गो माता कुछ और सिख्या हो कुछ जाने हो, इन चीजों पर चुनाव लड़े हैं। आरोप लगाया जा रहा है लोक दल वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी पे उतारू है अपने लोग भेज के भाजपा के नेताओं का विरोध कर रहे हैं। मरता के नहीं करता, कमजोरी में राइडी है जहाँ टोटा ही उनके तरह को दिख नहीं, तो यही बातें लगाऊंगे, यही आरोप लगाऊंगे, उनके आरोप बिल्कुल निराधार है, कुछ नहीं होना जाना, लोक दल जयंत चौधरी डाल छावेंगे, तोड़ हो जाएगा बात का। ठीक है, दोबारा बात करेंगे, आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम है राहुल चौधरी, राहुल चौधरी राजपुर खामपुर। अच्छा। और सबसे पहली बात है, हमारे राजपुर खामपुर में तो आज तक का रिकॉर्ड है जयंत चौधरी हरिणी। मेरा सवाल ऐसा है, मैंने आपका नाम पता है क्यों पूछा? क्योंकि इसलिए पूछा कि आप हिंदू समाज से निकले, हिंदू समाज से हैं, तो वो ये कह रहे हैं अगर हमारी सरकार नहीं आई
तो जो तालिबान में हुआ है वो यहीं पर होगा, घरों में घुस घुस के मुसलमान मार देंगे। कहीं कुछ नहीं होगा, योगी जी ने तो कह दिया 80-20 का चुनाव, कहीं कुछ नहीं होगा, सब बकवाद है, कहीं कुछ नहीं होगा। और जयंत चौधरी घनी वोटों से जीतेंगे सीट, जितनी भी उनकी सीट है सारी सीट जीतेंगे। अच्छा अच्छा, ये जो कह रहे हैं बार बार 80-20 का चुनाव है वो क्या है फिर? हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो सब एक डरता जयंत चौधरी है, हाँ पक्का जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वजह क्या वजह है? वजह क्या है? वजह भाई इन्होंने हमारे लिए इतने काम कर रखे है, हमें सारे काम इन्होंने करे हमारे लिए, और किसने करा? पोस्टर तो दिल्ली की मेट्रो तक में लगे हुए हैं कि किसानों की आय दुगनी कर दी, हमारे दिल में लग रहे हैं पोस्टर, तो हमारे दिल में है, हमारे तो दिल में है उनके पोस्टर। हाँ दुगनी आय आधी भी नहीं रही, वे तो कह रहे हमने दुगनी कर दी। अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली मेट्रो में गया था, वहाँ पर भी मैंने योगी जी के इश्तिहार देखे हैं कि बहुत कुछ कर दिया भाई ने, तो बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे, उन्होंने पेमिट सारा करवा दिया, पेमिट इन्होंने सारा करवा दिया, इनके कागजों में सारा हो रहा, जबकि पिछले साल का पेमिट भी अभी तक नहीं हुआ। प्रचार प्रसार की मैं बताऊं, उनके दौरे की चीज है, प्रचार प्रसार इतना करे जो उनसे वे मजदूर अपने घर तक नहीं पहुंच पाए थे, उस टाइम उनके लिए कोई वाहन की सुविधा नहीं थी, इबा यूपी में 403 वाहन प्रचार गाड़ी आ ली, कहीं का पैसा पब्लिक का पैसा वेस्ट हो रहा, इनके द्वारा दूसरा रास्ता नहीं है। एक जोड़ा छपवा था उन्होंने नाच किया, उसमें योगी का मोदी का फोटो छपा, उसमें नाच की कीमत 98 रुपए थी, जोड़ा छपा 140 रुपए थी, वो प्रचार है, दान है, वो प्रचार है, दान करना हो तो दान करो, दान तो लुका हुआ है, सैंधक एक एक चीजों का फोटो छपके पोस्टर छपके, ये बेवजह के फंड है, लोग बाग जागरूक हो रहे, पब्लिक जानगी समझगी, ईब उनका कोई चारा नहीं चलने का, सब रथ थम लिए उनके। हाँ मैं सबसे बात करूंगा, एक सवाल आपसे यह है, लगातार मेनस्ट्रीम मीडिया एक बात कह रही है कि योगी नहीं तो फिर क्या होगा देश का, योगी मोदी नहीं तो हिंदू कहाँ जाएंगे, योगी मोदी नहीं था जब क्या हो रहा था देश का, 5 साल पहले योगी नहीं था जब के था देश, विश्व गुरु बना दिया कह रहे हैं देश, उनके द्वारा बात करनी घनी सोनी है, वे कह कल हम राम को ले, राम को ही ले, इससे पहले राम कहाँ था, राम उन्हें ले आया, राम सब ले आया, मुद्दे बना रहे बात तू के, अगर राम को ले, राम तो हमारे दौरे है। अच्छा अब चलेंगे ले राम का ना, जो टांगेंगे ले राम का ना, हड़पा, लेकिन बीजेपी कह रही है हम जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, इन्होंने तो नौकरी दे दी हर घर में। अच्छा सांझ को एक लाठी एक बैटरी सिर पर मुंडा सर डंगर हेरो, डंगर हेरो, हर घर में नौकरी दे दी इन्होंने तो। अच्छा। और ऐसी दे दी भूल देंगे नहीं जीवन में। अच्छा यहाँ तो किसने किसने नहीं उन्होंने छोड़ा, जिस चीज की बेकदरी हो जाएगी वो छुटेगी। अच्छा। भैंस है जोटा है बेकदरी कर दो, मानसू की बेकदरी कर दो, बूझ ना करो, ये भी नहीं अंडे के धक्के खाते। हाँ। यहाँ तो लेकिन ये बात बताइए, आप कह रहे हैं गाय बछड़ों से परेशान है खेती, हमने भी देखी समस्या है, लेकिन सरकार कह रहा है भाई गौ माता की गोहत्या बचाई हमने, गौ माता को बचाया है हमने, कत्ल खानों से बचाया, ये जितने रक्षक है इतनी अच्छी सरकार है, घर में 4 बंद हो किसी एक का नहीं, बीजेपी वाले का जो बीजेपी वाले है किसी एक का दिखा दो। अच्छा। सारी हम रख लेंगे जो एक का भी पाजा किसी का। अच्छा। किसी एक का नहीं, ये गोरक्षक तो बने बैठे, किसी एक का भी नहीं है। ठीक है। अच्छा बीजेपी के जो किसान है वो क्या है, वो भी तो किसान है, वो कह रहे किसान हमारे साथ है, उनका तो पेमेंट आ लिया। अच्छा आपका नहीं आया ना, ना, ना। हमारा तो कह रही है सिर्फ 4 महीनों में होगा, उनका 14 दिन में आ जाए, हमारा 14 महीने में होगा। अच्छा। क्या करेंगे इस बार चुनाव में, इस बार आरएलडी को देंगे, पहले थी आज लोग दी नहीं हमने बीजेपी को, आरएलडी को देंगे, मैं पछतावा नहीं है, गठबंधन को ना हमने वोट दी ना मैं पछतावा, आरएलडी को देंगे। ठीक है, पिछली बार तो देखिए आरएलडी नहीं थी, पिछली बार आरएलडी हारी, इस बार कैसे उम्मीद कर सकते हैं? और अखिलेश यादव से तो वो कह रहे हैं कि भैया अखिलेश यादव उनकी सरकार है, वो तो कहते हैं समाजवादी पार्टी नहीं नमाजवादी पार्टी है, मुलायम सिंह को कहते हैं मुल्ला मुलायम है, ये दंगा फलाना का काम कर रहे हैं, मुल्लाओं का अपनी लड़की भी आ रहे मुल्लाओं का, सबकी लड़की मुल्लाओं का भी आ रही, इनकी जितने बड़े नेता है उनकी लड़की मुल्लाओं का भी आई हुई है, सबका विकास बता में यार, दंगा फलाना है ना, जातिवाद करना, हिंदू मुस्लिम बनानी है ना, और कुछ नहीं की बात है। नाराज है आप, बताइए क्या चल रहा है इस बार चुनाव, अपना तो जन भैया जिंदाबाद, क्या वजह है इस बार जयंत चौधरी की, क्योंकि हमारे यहाँ से पहली बार जी जी हार गए थे ना यहाँ से, तो अब के वो मौका नहीं देगा कि दोबारा, बीजेपी कह रही है किसानों की आय दुगनी कर दी, बीजेपी कह रही है गन्ने का पेमेंट बढ़ा दिया, गन्ने के पेमेंट दे दी, बीजेपी कह रही है हमने 4.5 लाख नौकरियां दी है, 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां दी है, यूपी सरकार की बात करो मैं, यूपी सरकार में रोड कह रहा है हमने गड्ढा मुक्त बंद कर दिया, भारत गड्ढा मुक्त कर दिया, विश्व गुरु बना दिया, इतना सब कुछ मिलने के बाद भी क्या रह गया, रोड बना तो दिए लेकिन उन रोड पे कौन चलेगा, अच्छे दिन कह रहे अच्छे दिन दे दिए, कहाँ पे आ गए अच्छे दिन, अब आप ही देख लो जिस गन्ने की कीमत लगभग हर चीज की महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, गन्ने की कीमत मुश्किल से 5% बढ़ी होगी, कहाँ आ गई महंगाई भाई, कहाँ गई, गुंडागर्दी खत्म, गुंडागर्दी कह रहे खत्म कर दी, 15 साल में 25 रुपए बधाए,
के बढ़ाया उन्होंने बताओ। गुंडागर्दी तो माओ लाग रही लखीमपुर खीरी में माओ किसान को पर्चे डवा दी इन्होंने मंत्रियों ने गाड़ी गुंडागर्दी खत्म होने लाग रही मतलब है मरवा दिया किसान माँ। कल योगी जी ने एक बयान दिया है के जो गुंडे थे उनको जमानत मिली, वो कह रहा हमें जमानत ही नहीं चाहिए, हमें तो बंद कर दो दोबारा। ये हाल कर दिया योगी जी ने प्रदेश का, गुंडे तो जमानत भी नहीं चाह रहा है। और जो उनसे पकड़े ना जा रहे एक गाड़ी चढ़ा दी वे गुंडे नहीं कहाँ जा रहे वे योगी तो रहे ना सारे उनके योगी जी कह रहे हैं जमानत भी लेने को मना कर रहे हैं गुंडे। योगी जी के तो मैं थोड़ी सी बार पहले बताऊं उनपे बात करनी घनी सोनी आवे, दो चार अपनी पकड़ ले वे दूसरे की सुनते नहीं, उनके बस्ते ठंडे हो जाएंगे जाकर ठुंची पटक जाएगी ब्याह की चिट्ठी भी नहीं आ रहा बीजेपी वालों का, तो ये हालत उनकी होनी। यहाँ से जयंत चौधरी डाल आ गए लहर नहीं सन्नाटा था, जो सन्नाटा था ना तूफान थे पहले का वो तूफान ही बाबूगा और नू देखो जयंत चौधरी के छाका होंगे। हम जैन चौधरी का दिल जानता अड़का है। मुझे एक छोटा सा सवाल मैं पूछूंगा, यहाँ जो किसानी से तो आते ही है लोग, लेकिन अगर हम समुदाय की बात करें तो यहाँ जाट वोट ज्यादा है, तो इस बार जाट किसके साथ है? सभी लोग दल के साथ है, मुस्लिम भाई भी लोग दल साथ है। किसान 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 चौधर चौधर के साथ। बीजेपी ने क्या कहा था जी, अजीत सिंह और जैन चौधरी चुनाव हारे थे कला पश्चिमी में, हमने चौधर खत्म कर दी। उस टाइम योगेश धामर के पी मलिक कहाँ चले गए थे? उस टाइम जवाब देते हम भी तो चौधरी है, हमारी गैल भी जाट भी चौधर थे, चौधर खत्म होगी दीवा या चौधरी भी दिखा देंगे चौधर क्यों करो। जैन चौधरी गैल पूरी चौधर अड़ के खड़ी और चौधर वही यार वही खून है चौधर का, वह चौधर ना थे जो उनसे चुप होकर बैठ गए थे। ये भी तक बढ़िया विधायक है लखनऊ में, सब तक पिछड़ी में बैठे है वहाँ आज यहाँ जगह बात बता रहे, इनका बोल भी ना आया था वहाँ। उस टाइम बोल गया कहते चौधर खत्म क्यों करोगी, हम भी तो चौधरी है हमारी गैल भी जाट थे और वे जाट भी चुप रहे। आज वे जाट बोले इनके तो डक दब रहे बीजेपी वालों के, सारी की मरे कुटता है। हाँ जयंत चौधरी मारा नेता हम उसके बस बात खत्म। ये बात ना किसी चौधर का भ्रष्टाचार देखना, ना किसी की महंगाई देखनी, हमें किसी का कुछ नहीं देखना, हमें अपना नेता अपनी पार्टी देखनी, बात खत्म। बताओ ये भी किसी कह रहे गुंडागर्दी तो इन्होंने दिखाई कब दिखाई? आप बताओ इन्होंने गुंडागर्दी दिखाई किसानों को जाकर वहां गुज्जर पहुंचा वहां लट लेकर सांझगुड़ राकेश टिकैत को नंद किशोर धमकी कालीगढ़ की धमकी वहां टिकट दिया अजीत हर का एक फोन आया कहाँ गई गुंडागर्दी सारे भाजी बनता है। वो तो एक बात कहते भाई हम हिंदुओं के सम्राट हैं, हम हिंदुओं के हम ही रक्षक हैं और कोई नहीं, किसानों को मारेंगे क्या फिर ये बदमाशी दिखा रहे वासी के लठ मारण गए वासी के हिंदू सम्राट नहीं चाहिए। हाँ इब लग जगह ने पेरा लठ मारण का चुनाव है अच्छा उन्हें बदमाश कहा वहाँ जो जिन्होंने आदमियों के ऊपर को गाड़ी चढ़ा दी वे क्यों ना बंद कर। ये बताइए कितने लोग हैं जो यहाँ पर सोचते हैं बीजेपी आएगी, कितने लोग हैं बीजेपी का है? एक भी नहीं के साथ महारा नेता जैन चौधरी है गठबंधन के साथ गठबंधन सब सारे को बात यह है पत्रकार महोदय जैन चौधरी को यहाँ यूपी का सीएम बनाऊंगे। अच्छा हाँ लेकिन उन्होंने तो अभी अखिलेश यादव को बोल दिया। अखिलेश यादव चौधरी चरण सिंह एक बात कह रहे थे नगो ये नागपुर के नाग हैं और जो अफ्रीका के नाग है ना कोबरा उन तो सौ गुने खतरनाक है सावधान रहियो। तो देखिए यहाँ से तो लोग अभी पूरा जो है गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, हालांकि गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है और आरएलडी ने कहा है कि हम अपना जो मुख्यमंत्री मान रहा है वो अखिलेश यादव को मान रहा है। खैर बहरहाल लोग समर्थक हैं वो चाहते हैं कि जैन चौधरी बने मुख्यमंत्री, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जैन चौधरी ने तो कह दिया है कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर गठबंधन जीतता है तो, लेकिन जीतेगा कौन ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए हम सब आपको और हमें सबको इंतजार करना पड़ेगा और बेहद जल्द 10 फरवरी आने वाली है जब पहले चरण के चुनाव शुरू हो जाएंगे और 10 मार्च भी आ जाएगी जिसमें क्लियर हो जाएगा कौन जीतेगा। तो यहां से कौन जीत रहा है एक बार बता दे सब। जैन चौधरी ठीक है यहां से तो जैन चौधरी की तरह।